कुहला उपमंडल के गांव खरका में जनसंघर्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक फूलाराम बाजीगर रहे। रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाल रहे। इस पवित्र भूमि में जिस संघर्ष रैली का आयोजन किया गया, रैली में भारी भीड़भाड़ को देख यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार की उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो गई है। उक्त दावा कैथल के विधायक एवं पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हल्का गुहला के गांव खरका में शनिवार देर सांय एक जनसभा के दौरान प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार से समाज का हर वर्ग उत्पीड़ित है। गरीब साधारण किसान को मुआवजा नहीं मिलने पर, खेती पर GST लगाए जाने पर, कीटनाशक दवाइयों पर 18% टैक्स लगाने पर, खाद्य पर 5% टैक्स लगाए जाने पर, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% टैक्स लगाए जाने पर, गरीब परिजन और वाल्मीकि और पिछड़े वर्गों के साथ ही सरकार के खजाने से उनके हिस्से को जो मुक्त कर दिया गया, यानी उनसे छीन लिया गया, रोजी और रोजगार छीन लिए जाने के कारण समाज का हर वर्ग उत्पीड़ित है। और इस रैली के माध्यम से उस पीड़ा की अभिव्यक्ति की और खट्टर सरकार को चेताए कि या तो वह समझ जाए और जन विरोधी कार्य बंद कर दे, वरना वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा की जनता के आक्रोश के आगे खट्टर सरकार को मजबूर होकर अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने जनता से कहा कि मुझे एक बार सत्ता की ताकत दो, मैं पूरी सरकार को गुहला की ड्योढ़ी पर बिठाकर रख दूंगा। गुहला चीका से राजपाल जिंदल, आज तक टीवी न्यूज। कैथल की तपोभूमि में, गुहला चीका और गांव खरका की इस पवित्र भूमि में जिस जन संघर्ष रैली का हमारे साथी फूलाराम जी ने और दूसरे साथियों ने जो आयोजन किया है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार के उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो गई है। खट्टर सरकार से समाज का हर वर्ग उत्पीड़ित है। गरीब साधारण किसान फसल का मुआवजा और कीमतें ना मिलने के कारण, खेती पर GST लगा दिए जाने के कारण, कीटनाशक दवाइयों पर 18% टैक्स लगाए जाने के कारण, खाद पर 5% और ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% टैक्स लगाए जाने के कारण, गरीब हरिजन वाल्मीकि और पिछड़े वर्गों के साथ ही सरकार के खजाने में उनके हिस्से से उनको जो मुक्त कर दिया गया, यानी छीन लिया गया, उसके कारण नौजवान रोटी और रोजगार छीने जाने के कारण समाज का हर वर्ग, अगर आप देखें तो हर वर्ग उत्पीड़ित है।